एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ खास दिखाऊंगा। मैंने अपने KTM RC 200 पर कस्टम मॉडिफिकेशन शुरू की है एंड ट्रस्ट मी, यू नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मॉडिफिकेशन पूरी तरह से यूनिक और कस्टम मेड होने वाली है। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं सलमान्स लाइफस्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम डिटेल में डाइव करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने KTM RC 200 को देखो। ये खुद में एक कमाल की बाइक है, लेकिन मैंने उसको एक अलग लेवल पे ले जाने का इरादा किया है ताकि ये बिल्कुल अलग लगे। सो गाइस, सबसे पहले अपने विंगलेट बनाएंगे बाइक के लिए। सो अब विंगलेट बनाते हैं। मैंने कार्डबोर्ड की सीट ले ली है, अब इसके ऊपर डिजाइन करते हैं, फिर इसको काटते हैं। डिजाइन तो मैंने कर लिया, बारी है इसको कट करने की। फर्स्ट पीस निकल चुका है, तीनों तीन पीस निकल चुके हैं ये रे। अब इसको जॉइंट करते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ पे टर्न करने की, वहाँ पे मैंने टर्न कर दिए, इसको शेप दे दिया प्रॉपर। अब इसको हॉट गन ग्लू की मदद से चिपकाते हैं। सो कुछ इस तरह से शेप आ चुका है, देखो विंगलेट का। अब इसके ऊपर के यहाँ पे टचेस जो है वो मैं करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ फाइनल लुक। सो कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कर्व्स सब दे दिए अच्छे से फुल। अब लग रहा है ना विंगलेट, और ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे कर्व्स दे दिए है, थोड़ी टचिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने एक और लगाया है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए, और इधर भी। अब फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए एकदम रेडी है, देखो अब लग रहा है एकदम फुल विंगलेट। सो अब मैं तुमको बताने वाला हूँ ये विंगलेट्स किधर लगेंगे। अभी तक तो आपने बना लिया है विंगलेट्स, अब मैं तुमको बताता हूँ विंगलेट्स कहाँ लगेंगे। एक एक पोजिशन में यहाँ पर लगा सकते हो, दूसरा यहाँ पर लगा सकते हो, तीसरा एकदम आते लगा सकते हो। और तुम देखो कैसा लुक आ रहा है, इस तरह से लुक आएगा, मैं तुमको पास से दिखाता हूँ कैसा लगा है। सो गाइस, ये कुछ इस तरह से लगेगा विंगलेट। यहाँ लगाना हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे लगाना हो तो यहाँ पे भी ऐसा लगा सकते हैं। मैं तुमको यहाँ पे रख के दिखाता हूँ कैसा लुक आता है, देखो फुल बाइक का इस तरह लुक आएगा, और ये पेंट होने के बाद और अच्छा दिखेगा। आगे से देखो कैसा दिख रहा है, मस्त लुक आने वाला जब लगेगा तब। सो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, इसको पेपर और आटा लगाते हैं। सो फाइनली ये सूख गया है, जो आटा पेपर मारा था ना एकदम कड़क हो गया है, मजबूत हो गया है। बट अब इसको फिनिशिंग करने का है, रफ सरफेस है, उसके लिए पूर्ति बनाइए, पूर्ति लगाएंगे उसको और पूरा फिनिशिंग देंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इसको पूर्ति लगाने का। इस पर भी मल्टीपल लेयर्स लगाना पड़ेगी। इस तरह से जहाँ पे होल है ऊपर नीचे है ना, उसे पूर्ण लेवल में आ जाएगा। अभी तो एक लेयर लगा के रख देते हैं, उसको सूखने के बाद दूसरी लेयर लगाएंगे। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गए, देखो कैसे दिख रही है। उसके ऊपर दूसरी भी और लेयर लगाने की बाकी है, उसके ऊपर फिर से पूर्ति लगाऊंगा और फिर से घसूंगा।
इसको दूसरी बार लेयर लगाया है और अब की बार 6 mm के सैंड पेपर से घसूंगा और देखो कैसा हुआ है। अभी सो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है, एकदम कंप्लीट मैंने फिनिशिंग ले लिया है। अब इसके ऊपर ब्लैक कलर करने का टाइम है तो चलते हैं इसको करते हैं ब्लैक कलर। सो रेड कलर सूख चुका है, अब इसके ऊपर रैप करते हैं कार्बन फाइबर फिनिशिंग में। पहले सारे बॉर्डर को चिपका देंगे। सो फाइनली रैप कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कैसा ग्लोसी फिनिशिंग आया है। एकदम रियल कार्बन फाइबर जैसा लग रहा है, पूरा वन पीस जैसा कंपनी से बन के आया हो ऐसा लग रहा है। सो गाइस पार्ट्स बन चुके हैं और अब मैं इसको यहाँ पे लगाने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे लगाऊंगा तो अच्छा लुक आएगा, 3M टेप की मदद से हम चिपकाएंगे। सो चलते हैं चिपकाते हैं। तो गाइस फाइनली फिट हो चुका है, देखो कैसा लुक आ रहा है। मैं तुमको ओवरऑल लुक बताता हूँ इसको, अभी दूसरी साइड भी लगाने का, कितनी एग्रेसिव लग रही है देखो। अब इसके थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स भी डाल दूंगा मैं। जस्ट चेक इट आउट, कितनी खतरनाक लग रही है, एकदम बैटमैन टाइप फुल। और इस क्या मस्त लग रही है, आगे से कितनी एग्रेसिव हो गई है देखो। जस्ट चेक इट आउट, तो गाइस मेहनत पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कैसा लगा पार्ट्स कमेंट करना और क्या कंटेंट बनाना चाहिए वो कमेंट करना। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही बनाएंगे। सो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।